इशू है ये कि कल मैं एक इंक्वायरी स्पॉट इंस्पेक्शन और इंक्वायरी टाइप थी ओपन ओपन इंक्वायरी करने में अंदरोला में गया था, और मैंने यहाँ से डी सी साहब का जो ऑर्डर था उसकी कंप्लायंस में, कि डी सी साहब का ऑर्डर है, डी सी साहब ने लिखा कि आप जल्दी से इंक्वायरी करके मुझे दे दो। तो दो आदमियों का डिस्प्यूट था वहाँ पर लैंड पर, ये इंतकाल हैं दो, एक इंतकाल जो है ये 1987 के जो हैं ये इंतकाल हुए, और इनमें ये है कि ततीमा नहीं है। उसको वेरीफाई करने के लिए मैं स्पॉट इंस्पेक्शन किया, और उसकी क्या ये टर्म और कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी ऑन स्पॉट। जैसा ही मैं पहुंचता हूँ तो तकरीबन कोई 11:30 एक 12 के दरम्यान, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक मीडिया पर्सन था जो कि प्लांटेड था, और उसने ब्यास तौर पर ऐसे एलिगेशन लगाने शुरू किए, और जो कि बिल्कुल, हालांकि कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब इंक्वायरी करने अगर मैजिस्ट्रेट जाता है, या डिप्टी कमिश्नर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर अगर तहसीलदार जाता है और मीडिया पर्सन ब्यास मतलब उसको बेसलेस तरीके से एलिगेशन लगाता है, तो ये इट इज़ हाईली कंडमनेबल, एक बात। दूसरे, जिस तरीके से उसको उसको प्लांट किया गया था, कि अभी हमने प्रोसीडिंग शुरू भी नहीं की थी, कि वो 5 या 2 या 4 मिनट अभी मैं लोगों का हाल चाल पूछ रहा था। तो अब जैसे हमने इनिशिएट किया तो मीडिया पर्सन 2 मिनट में आया बाइट लेने। मैंने कहा ले लो भाई, बाद में लेंगे जब कोई डिसीजन होगा। तो उसने कहा नहीं जी दे दो आप। मैंने कहा हाँ, आप कब करना चाहते हो? तो एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि एक इंक्वायरी करने आया हूँ। जबकि उसने जब जो बाद में बोला, जिस तरीके से बोला, भाई तहसीलदार ऐसे आया वैसे आया, ये किया वो किया, जबकि कोई डिसीजन नहीं था वहाँ, और किसी किस्म का कोई मैंने कोई मतलब वहाँ पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया था, या कोई इनकार नहीं किया, या पीछे नहीं कोई ऐसा किया कि जो मैंने रहा किया था मैं उसको दुरुस्त करने गया था। ये 1987 का एक मसला मतलब था। उसके बाद आज तक वो 20-22 साल हो गए हैं, उनको एक डिस्प्यूट लगा हुआ है, एक केस चल रहा है, डीसी ऑफिस में है, एडिशनल डीसी साहब के पास है। उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे से एक रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट मैं फर्निश करने गया था ग्राउंड सिचुएशन को देख के। तो उसके होते हुए अगर मीडिया का एक पर्सन ऐसे करे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है उसको फेवर करे, तो ये बड़े ही मतलब अफसोस की बात है। हम जब लोगों को जब जबकि एक मजलस वहाँ थी, जहाँ 30 जिसमें 3 सरपंच थे, एक नंबरदार था, और प्रामिनेंट सिटीजन थे वहाँ के, लोकलिटी के सारे बैठे हुए थे, उनकी रूबरू बात हो रही थी। तो मैंने देखा कि ये उसका जो एटीट्यूड है, या जिस तरीके से उसने बातें की मीडिया में और अपलोड की और डिफेम किया, और मेरी प्रोसीडिंग को, ऑफिशियल प्रोसीडिंग को जो है वो मेरे काम में रुकावट की, ये इसके लिए जो है हम इसका कॉग्निशंस लेंगे, और मैंने हाई अथॉरिटी से भी और जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको भी कन्वे कर दिया है। FIR हम लाज करेंगे, FIR इसमें छोड़ेंगे नहीं हमने, क्योंकि मीडिया पर्सन में आप वेरीफाई किया। अब इसका ये भी है कि इसकी ये भी बेसिक क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, जर्नलिज्म को क्या क्वालिफाई करता है, एलिजिबिलिटी उसकी है, ये सब चीज़ें देखूंगा। मैंने लिखा है DIO को लिखा है इसके लिए कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, तो ये चीज़ें करेंगे, और मैं एडिटर इन चीफ को भी मैंने इसमें कन्वे किया है।